हेलो एवरीवन, गुरुमंत्र एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। वो आपके न्यूट्रिशन से भी था, टेक्सटाइल और एफआरएम से भी था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगभग 28 क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किए थे, आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम जो है इसके बाद में, अभी तो कल एक दिन हमारी केवल जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है वो या तो सैटरडे या फिर संडे में ही चलेगा हमारा। इसके बाद जो हमारा मंडे टू फ्राइडे का है वो हम एक घंटे की क्लास यहाँ पर रोज लेते हैं इसी टाइम पर 4 से 5 बजे। और उसमें हमारा अभी प्रेजेंट टाइम पर हम पढ़ा रहे हैं, जो थ्योरी क्लासेस हमारी चल रही हैं वो है टेक्सटाइल की चल रही हैं, जिसमें कि हम आपको पढ़ा रहे थे बुनाई। बुनाई के बारे में बहुत सारे टाइप्स हमने बता दिए थे, उसके आगे अभी कई सारी बुनाई हैं उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। और सभी को हाय, हेलो, गुड इवनिंग। मनोरमा, सना, सोनल, शोभा, हिया, बंटी, अवनीश, मिथिलेश जी, सभी को गुड इवनिंग। और यूट्यूब पर भी गुड आफ्टरनून, प्रीति जी, पुष्पा, विमलेंद्र, अश्विनी, सभी को गुड आफ्टरनून। और सभी लोग आ जाइए क्योंकि क्लास मेरी स्टार्ट हो चुकी है। और जो भी आइए, अभी टेक्सटाइल में जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं से आते हैं, वीविंग से, बुनाई से। कई सारी वीविंग है उसके अंदर में पूछ लेता है किस टाइप का है, निटिंग से, और ये सारी ही क्वेश्चन सब इन्हीं में से आते हैं। तो आज हम वीविंग के जो हमारे बच गए थे उसके टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो लूम हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था करघा, उसमें किस तरीके से कपड़ा तैयार किया जाता है ये हमने डिस्कस किया हुआ था। और लूम के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। लेकिन उसमें हम एक चीज़ हमारा मिस हो गया था कि जो हमने उसमें प्रोसेसिंग बताई हुई थी कि जब वस्त्र का निर्माण होता है तो जैसे हमने बताया था कि हार्डनेस का यूज़ कैसे होता है, उसमें जो रीड है उसका यूज़ कैसे होता है, शटल का यूज़ कैसे होता है, तो ये सब जो हमने प्रोसेसिंग आपको बताई थी वस्त्र निर्माण की, उसमें हर एक प्रोसेसिंग को जो है नाम दिया गया है, हर एक प्रक्रिया का नाम दिया गया हुआ है। तो वो चीज़ें हमने आपको मिस हो गई थी, हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो वो भी हम आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो जितने भी प्रोसेसिंग हैं जो पर्टिकुलर उसको नाम दिया गया है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बुनाई जो हमारी बची हुई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सैटिन और सटीन तक पढ़ा हुआ था, आज जो हमारी है वो आगे का है हका बैग बुनाई। हका बैग बुनाई जो नेक्स्ट है हमारी, इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसमें क्या होता है, जो हका बैग बुनाई है इसमें मुख्य रूप से आपके पर्दे हैं या फिर जो टॉवल ये सब तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो ताने के धागे, जैसा कि ये आपके फ्लोटिंग जो यार्न्स है उन्हीं के अंदर आता है। ठीक है, जो हम आपको बता रहे थे ट्विल बुनाई ये सारी चीज़ें, तो आपकी जो फ्लोटिंग तैरते हुए धागे होते हैं जो, ठीक है, फ्लोटिंग जो वीविंग होती है उन्हीं के अंदर ही ये आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हका बैग बुनाई होती है इसमें जो ताने के धागे हैं वो वस्त्र की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। कौन से धागे दिखाई देते हैं इसमें, ताने के धागे। अभी हम इसका पिक्चर भी आपको दिखाएंगे, ताने के धागे होते हैं सतह पर, सरफेस पर ताने के धागे होते हैं और वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, चूंकि ये फ्लोटिंग विवन में आ रहा है तो ये बात होती है। और इसमें, ठीक है, और ये जो है आप ये कह सकते हो, जो हमने प्लेन वीब आपको बताया था, प्लेन वीब और रिब वीब, ये दोनों का ही आप कह सकते हो कि दोनों का मिश्रण होता है। इसमें दोनों ही चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, प्लेन वीब भी, सादी बुनाई भी दिखाई पड़ेगी, इसके अलावा रिब बुनाई भी इसमें दिखाई पड़ेगी। ये आप, ये है पिक्चर, आप देख सकते हो हका बैक वीब का ये पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि हमने प्लेन वीप बताया था आपको, सादी बुनाई, उसमें क्या होता है, एक जो है आपका ताना होता है, एक बाना होता है, एक ताना एक बाना, इस तरीके से, यानी इक्वल नंबर होते हैं ताने और बाने के। ये आपका देख सकते हो, ये जो आप
की डिजाइन है वो तो आपकी प्लेन वीप की है, सादी बुनाई की, ये जो दिखाई पड़ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपका जो है प्लेन वीप का सादी बुनाई की डिजाइन है। और ये वाला पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर देखिएगा, ये ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि जो लेंथ वाइज है यानी कि जो वार्प यार्न है, जो ताने का धागा है, वो आपका ऊपर की साइड में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि जो हक्का बैग बुनाई होती है उसमें क्या होता है, जो ताने के धागे होते हैं वो सतह पर तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो है सरफेस पर ताने के ही धागे दिखाई पड़ते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये प्लेन वीव है, जैसे प्लेन वीव हमने आपको पिक्चर दिखाया हुआ था वो यहाँ पर प्लेन वीप का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आप देख रहे हो बीच बीच में ये आपके वार्प यान दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि रिब बुनाई में क्या होता है, रिब बुनाई में मैंने बताया हुआ था ना कि उसमें जो है जो बाने के धागे से ज्यादा ताने के धागे होते हैं, एक से अधिक होते हैं, 2, 3, 4 इस तरीके से रिब बुनाई होती है जिसमें कि ताने के धागे आपके ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर हम आप कपड़ा देखोगे तो ये है कपड़ा, ये हक्का बैग बुनाई का ही कपड़ा है, जो टॉवल तैयार होती है आप जनरली घरों में यूज किया जाता है, ये वाली टॉवल यूज की जाती है वो आपकी हक्का बैग बुनाई का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गई हक्का बैग बुनाई। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे हनीकॉम, दूसरा है हमारा हनीकॉम। ठीक है, हनीकॉम बुनाई नेक्स्ट जो हमारी बुनाई है। अब इसमें क्या है, इसमें जो संरचना दिखाई पड़ती है कपड़ों में वो क्या होती है, सेल जैसे कोशिकाएं होती हैं उस तरीके की संरचना हमें दिखाई पड़ती है, जो भी इनसे कपड़ा तैयार किया जाता है इस बुनाई से, हनीकॉम बुनाई से, उसमें सेल जैसी संरचना दिखाई पड़ती है सरफेस पर, इसका भी हम आपको पिक्चर दिखाएंगे। और इसमें जैसा कि मैंने बताया अभी हक्का बैग में क्या था, ताने के धागे ऊपर दिखाई पड़ते सतह पर, लेकिन जो हनीकॉम्ब होता है उसमें ताने और बाने दोनों के धागे होते हैं ऊपर, इसमें ताना और बाना दोनों ही होता है सतह पर। ठीक है, तो इसमें दोनों धागे होते हैं और दोनों ही आपके तैरते हुए यानी फ्लोटिंग जो है उसमें होते हैं, और इसमें ये कहते हैं दोनों तरफ हो सकते हैं, यानी कि फ्रंट में भी और बैक में भी, यानी कि दोनों साइड में, जैसा कि हक्का बैग में क्या था कि सरफेस पर ही दिखाई पड़ रहे, यानी कि फ्रंट पर ही वो तैरते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आके फ्रंट और बैक दोनों साइड में ही ताने और बाने के धागे होते हैं। इससे भी टॉवल का निर्माण किया जाता है, ये है आपका, ये देख सकते हो आपका हनीकॉम। इसमें क्या है, इसे मैं बता रही थी ना, कोशिका जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, सेल बीच बीच में कोश दिखाई पड़ते हैं, सेल दिखाई पड़ते हैं, तो ये आप देख सकते हो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये बीच बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है बीच बीच में, इसकी भी टॉवल आती है इस टाइप की भी, तो ये आपका हनीकॉम का है। ये है जो उसे टॉवल तैयार की जाती है वो इस टाइप की होती है, जो कि हनीकॉम का है। ठीक है, उससे भी टॉवल तैयार किया जा रहा है, इससे भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। उसमें आपने देखा हक्का बैग में किस तरह की डिजाइन थी, दिखाई पड़ रही थी, और इसमें जो है इस टाइप की होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है ये। ठीक है, ये हो गया हनीकॉम। के बाद हम बात करेंगे बर्ड्स आई वीप की, जिसे कि बोलते हैं चिड़िया की आंख जैसी संरचना होती है, इसी की जैसे कुछ कुछ दिखाई पड़ती है। जिसे कि बर्ड्स आई वीप बोलते हैं इसको, तो ये नेक्स्ट है हमारा
इसमें क्या होती है, इसमें जो डिजाइन होती है, जो संरचना होती है कपड़े में, वो आपकी जैसे डायमंड नहीं होता है उस तरीके से दिखाई पड़ती है। जो डायमंड जैसा आपने देखा होगा हीरे का जैसा शेप होता है, तो उस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है जो इस मीन्स जो बर्ड्स आई वीव होती है इससे जो बुनाई की जाती है उसमें वो डिजाइन होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें बाने के धागे ऊपर तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। कौन सा धागा इसमें होता है, बाने का धागा, बाना होता है सतह पर। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि जैसे कि हमने बताया था उसमें हका बैग में ताना होता है, आपका हनीकॉम में ताना और बाना दोनों होता है, और जो ये आपका बर्ड्स आई वीव है इसमें बाने होते हैं सतह पर, और जो संरचना होती है वो डायमंड की जैसे होती है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उसकी जो संरचना किस तरीके की होती है। जैसे हनीकॉम में मैंने बताया कोशिका की जैसी संरचना होती है, यानी कि सेल्स की जैसी होती है, और जो आपका हका बैग था ठीक है उसमें तो तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो मैंने बता दिया। और इसमें जो है आपका बर्ड्स आए है इसमें क्या होती है, डायमंड की जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। अब ये आप देख सकते हो, ये है बर्ड्स आए का, इसमें जो देख रहे हैं आप संरचना दिखाई पड़ रही है, ये डायमंड की जैसी, कुछ कुछ डायमंड की जैसी दिखाई पड़ रही है। और इसका जो, हाँ ये है आपका जो कपड़ा है, कुछ कुछ आपका दिखाई पड़ेगा जैसा मैंने हनीकॉम में बताया, तो उसमें लेकिन जो है वर्ग के शेप में था ठीक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो ये छोटी छोटी सी ऐसी संरचना दिखाई पड़ रही है, जैसे डायमंड होता है वैसे छोटी छोटी सी संरचना दिखाई पड़ रही है, बहुत क्लियर तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो डायमंड जैसे होता है उसी तरीके की संरचना इसमें होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पाइल के बारे में। गुड इवनिंग श्वेता जी, गुड इवनिंग आकांक्षा, हाँ हिया जी हम आपके क्वेश्चन का ही आंसर ढूंढ रहे थे, लेकिन एक्चुअली कोई उसका सटीक आंसर अभी हमको नहीं मिला है। जहां तक मुझे लगता है कि वो ये रीजन हो सकता है कि उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इस वजह से जब भी वो कॉटन का कपड़ा गीला होता है तो वो मजबूत ज्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू ड्राई की। लेकिन इसका बहुत अच्छा आंसर अभी हमको नहीं मिला है, जैसे मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। गुड आफ्टरनून अनामिका, ज्योति, अरे ज्योति जी मैं आ चुकी हूँ और क्लास भी शुरू हो गई है तो आप लोग आ जाओ। नमस्ते रंजना जी, नहीं डॉबी बुनाई इसे नहीं कहते हैं, जो डॉबी है डॉबी बुनाई उसमें क्या होता है वो आपका डेकोरेटिव वीव में आ जाता है। अभी मैं बताऊंगी डेकोरेटिव वीव्स के बारे में भी, जिसमें कि आपका डॉबी आ जाता है, जैकार्ड आ जाता है, लिनो वीव है, तो अभी मैं डिस्कस यहाँ पर करूंगी। तो डॉबी जो है मेनली आपका आता है डेकोरेटिव वीव्स होते हैं उसमें ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो अलग है। हनीकॉम या फिर जो मैं बर्ड्स आई बता रही हूँ ये तो अलग है आपका, और जो डॉबी वीव है वो अलग है। अच्छा परवेश जी क्वेश्चन ये है, चलिए आप ही लोग सर्च करिए कि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो जब गीला होता है, यानी कि ऐसा होता है कि कॉटन कपड़ा जब सूखा होता है तब उतना मजबूत नहीं होता है इन कंपैरिजन टू जब वो गीला होता है तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसका जो रीज़न है वो एग्जैक्ट रीज़न नहीं मिल पाया है, तो आप लोग भी इसको सर्च करिए और हमें बताइए, अगर किसी को भी पता है इसका रीज़न कि क्यों ऐसा होता है, इसका रीज़न कारण क्या है कि कॉटन कपड़ा जब गीला होता है तो अधिक मजबूत हो जाता है। हमें पता तो है कि लगभग वो जो है काफ़ी मजबूत हो जाता है जब सूखे कपड़े के उससे, लेकिन क्यों होता है इसका रीज़न नहीं पता है। तो आप लोग भी इसको सर्च करिए या फिर अगर आपको पता है तो हमें बताइए, हमारे साथ शेयर करिए इसको।
श्वेता जी, बुनाई के टाइप, ये तो मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना, बुनाई के टाइप जो है इसमें तीन टाइप का मैंने बताया था। जो आपकी बुनाई होती, जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, वस्त्र निर्माण किया जाता है, उसमें आपका हो आ जाता है, एक तो वीव आ जाता है बुनाई, उसके बाद में निटिंग आ जाता है, उसके थ्रू भी कपड़े तैयार किए जाते हैं, और एक होता है फेल्टिंग। ठीक है, तो तीन तरीके से कपड़े तैयार किए जाते हैं, और बुनाई में जो अभी हम बता रहे हैं आपको, ये आपके बुनाई के ही प्रकार हैं, जिसमें कि आपकी वार्प है और वेफ्ट है, दो तरीके का है, और इसमें भी बहुत सारे हैं। मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी वही टाइप्स के बारे में ही बता रही हूँ, तो प्रॉपर आप क्लास करो तभी आपको पता चलेगा कि मैं इसके प्रकार के बारे में पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, टॉवल के लिए बेटा देखिए, इसमें तो आप जैसा मैंने बताया, इन सबसे भी टॉवल तैयार की जा रही है, लेकिन इसमें जो कट पाइल, अभी जो आगे मैं बताऊंगी पाइल के बारे में, उससे भी टॉवल तैयार किए जाते हैं, तो वो भी बेस्ट है आपकी, कट पाइल और जो है अनकट पाइल है, तो वो भी बेस्ट वीव तैयार किया जाता है आपके टॉवल के लिए, क्योंकि उसमें आपको अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कट पाइल होता है, इसमें रेशे होते हैं, रोएं होते हैं, जो कि पानी को सोखने में ज़्यादा मदद करते हैं। चलिए अब आते हैं, अब हम बात करते हैं पाइल के बारे में। पाइल या फिर आप इसको रोया भी बोल सकते हो। ठीक है, अब पाइल में दो चीज आती है, एक तो है कि कट पाइल आती है और दूसरी है अनकट पाइल आती है। दोनों तरीके से कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसमें एक होता है कट पाइल, जिन्हें कि कटा हुआ रेशा बोल सकते हो आप, रेशा या फिर सॉरी रोया होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आता है अनकट, अनकट पाइल यानी बिना कटा हुआ, इसमें कट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दो टाइप के आपके पाइल होते हैं, जो कपड़े तैयार किए जाते हैं पाइल के थ्रू, यानी कि रोएं जिनमें होते हैं कपड़ों में, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका कट पाइल हो गया और दूसरा अनकट पाइल हो गया। अब इसको अगर हम इस तरीके से देखें, कट पाइल और अनकट पाइल दो चीजें तो हो गई, लेकिन इसमें एक होता है आपका वार्प, उससे पहले जो कट पाइल और अनकट पाइल आता है वो इसके अंदर में आता है, क्योंकि हम यहाँ पर बुनाई के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि वार्प और वेफ्ट के बारे में, यानी कि ताना और बाना के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी से बुनाई की जाती है। तो वार्प पाइल एक होता है और दूसरा होता है यहाँ पर वेफ्ट पाइल, इसको बोलेंगे ताना रोया कह सकते हो, और ये बाना। ठीक है, अब इसमें जो है आपका वार्प पाइल के अंदर में दो आता है, एक आता है कट पाइल जो अभी हम बता रहे थे, कटा हुआ रोया जिसे कि कट पाइल बोल रहे हैं, और कट पाइल का जो एग्जाम्पल है वो है आपका वेलवेट, कट पाइल में आ जाता है वेलवेट। वेलवेट का कपड़ा आपने देखा होगा, तो कट पाइल के अंदर में ये आ जाता है कट पाइल, और दूसरा है अनकट पाइल। जिसके अंदर टॉवल आ जाते हैं, जिसको कि टैरी टॉवलिंग बोलते हैं,
तो ये आ जाते हैं इसके अंदर, या फिर बिना कटा हुआ होगा तो उसका जो आपने टॉवल देखा होगा, एक तो होता है जिसमें कि रोए होते कटे होते हैं, और एक में लूप जैसा बना होता है, फंदे जैसे बने होते हैं, तो दो वो जो है अनकट होता है, इसको लूप भी बोलते हैं या फिर फंदेदार, फंदेदार जिसे कि इंग्लिश में लूप कहते हैं, जो बिना कटा हुआ होगा तो कट नहीं होता है तो वो फंदे के जैसा बन जाता है, यानी कि लूप के आकार का बन जाता है। इसमें क्या आ जाता है आपके टॉवल, इससे भी टॉवल तैयार किए जाते हैं जिसे कि टेरी टॉवलिंग नाम दिया गया है। ठीक है, तो दो हो गया आपका, जो पाइल है वो दो प्रकार का हो गया, एक तो वार्प हो गया मींस ताने जिसमें कट किए जा रहे हैं, और दूसरा आपका हो गया बाना, इसमें क्या होता है इसमें बाने कट किए जाते हैं। तो जो वार्प पाइल है इसमें क्या है, जैसा कि कट पाइल और अनकट पाइल हो गया, तो जो कट पाइल है जिसमें कि रोए कट किए जा रहे हैं, तो वार्प का मतलब है कि इसमें सिर्फ ताने को कट किया जाएगा, जो वार्प वाला धागा होगा उसी को कट किया जाएगा, और इससे कौन सा कपड़ा तैयार हो रहा है, वेलवेट, वेलवेट में आ जाएगा आपका, ये देख सकते हो ये है वेलवेट का कपड़ा। वेलवेट का कपड़ा आपने अगर देखा होगा तो उसमें जो है शाइन बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें वार्प वाला भाग कट किया जा रहा है, ठीक है, इस वजह से इसमें शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये क्या होता है, मुख्य रूप से जो वेलवेट तैयार किया जाता है वो सैटिन के धागे से, सैटिन में भी चमक होती है, वेलवेट में भी चमक होती है, तो मुख्य रूप से इसमें सैटिन के धागे का प्रयोग किया जाता है, या फिर पॉलिस्टर हो गया, या फिर रेयन हो गया, यानी कि सिल्क होगा जो कि आपका नेचुरल फाइबर में आ जाएगा, उसमें चमक ज्यादा होती है, उसको तैयार उससे बनाया जाएगा, या फिर जितने भी कृत्रिम रेशे हैं, मैन मेड जो फाइबर है जैसे कि आपका रेयन हो गया, और आर्टिफिशियल फाइबर में आपका पॉलिस्टर आ गया, ठीक है, तो या तो फिर सिल्क से तैयार किया जाएगा या फिर रेयन और पॉलिस्टर से, तो इनसे तैयार किया जाता है वेलवेट। इसी वजह से इसमें आप कह सकते हो शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है, और सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा होता है, शाइनिंग भी होती है, सॉफ्ट होता है, और ये महंगा भी होता है, और जो इसकी बुनाई होती है बहुत ही सघन होती है, डेंस होती है, ठीक है। तो और ये जो है जैसा कि मैंने बताया, हाँ, अब जो आप तैयार किए जा रहे हैं कपड़े, तो उसमें कहीं कहीं कॉटन ब्लेंड का भी यूज किया जा रहा है, यानी कि कॉटन को भी सिल्क के साथ, रेयन के साथ, और जो पॉलिस्टर है उनके साथ में ऐड कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका वेलवेट। उसके बाद में हम बता रहे थे, ये तो वेलवेट हो गया जो कि आपके कटे हुए कट पाइल में आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कट पाइल होता है, रोए जो है वो कट किए जाते हैं। उसके बाद में जो बिना कटा हुआ है उसमें आपका टेरी टॉवलिंग, यानी कि टॉवल आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं पिक्चर तो इसका नहीं है मेरे पास, लेकिन आपने जो टॉवल देखा होगा तो उसमें कई सारे टॉवल होते हैं जिसमें कि रोए होते हैं, ठीक है, तो वो कट पाइल के अंदर आ जाएगा क्योंकि उसको कट कर दिया जाता है। और कई सारे ऐसे टॉवल होते हैं जिसमें कि रोए नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं, लूप्स बने होते हैं, फंदे बने होते हैं, ठीक है, तो वो अनकट पाइल में आ जाता है। उसके बाद में वेफ्ट पाइल में है जिसमें क्या होता है कि जो बाना होता है उसको कट किया जाता है। वार्प में ताने के धागे को कट किया जा रहा था, और वेफ्ट में क्या होता है, बाने के धागे को कट किया जाता है। अब इसमें जो है आता है आपका कट पाइल, यानी कि कटा हुआ कौन कौन सा आ जाएगा, जो कटा हुआ रोया उसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक तो वेलवेटिन आ जाता है, और दूसरा आपका आ जाता है कॉर्डराय। वेलवेटिन आ जाता है और कॉर्डराय, दो कपड़े ऐसे हैं जो कि आपके जिसमें कि ताने को कट किया जाता है, और ये कट पाइल में आता है, ठीक है। वेलवेटिन कौन सा होता है, ये देख सकते हो वेलवेट, जैसे वेलवेट होता है उसमें क्या है, वेलवेट में शाइनिंग होती है, ठीक है, मैंने बताया ना कि उसमें क्या होता है, सैटिन और जितने भी कृत्रिम फाइबर्स हैं उनको, उनसे बनाया जाता है। और जो आपका वेलवेट है और कॉर्डराय है, ये दोनों ही आपके कॉटन से तैयार किए जाते हैं, इस वजह से इसमें उतनी शाइनिंग नहीं होती है, वेलवेट के कंपैरिजन में शाइनिंग कम होती है। ये आपका वेलवेट है, ये भी आप सॉरी वेलवेटीन है, ये देख सकते हो इसमें उतनी शाइनिंग नहीं है,
और ये है आपका कॉर्डराय। इसमें आप देख सकते हो जो कॉर्डराय का कपड़ा होता है, आपने यूज भी किया होगा, उसमें क्या होता है कि लाइनिंग होती है, लाइन मतलब एक जो ताने का जैसे लेंथ वाइज होता है ताना आपका, तो उसमें क्या होगा कि उभरी हुई लाइन होती है, ऐसे खड़ी खड़ी सीधी सीधी लाइन होती है। जैसे इसमें आपको दिखाई पड़ी है, ये इस तरीके की लाइन उभरी हुई होती है, ये होता है कॉर्डराय का कपड़ा। और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो जीन्स है इसकी बनती है, पैंट तैयार किए जाते हैं कॉर्डराय कपड़े से ही, बहुत सॉफ्ट सा होता है कपड़ा इसका, ठीक है। और इसमें चलिए, और इसमें इससे आपकी जैकेट वगैरह भी तैयार की जाती है, अगर आपने देखा हो कॉर्डराय का कपड़ा, जिसमें कपड़े में लाइनिंग होती है, उभरी हुई लाइनिंग होती है, इससे पैंट भी तैयार होते हैं, इससे जैकेट वगैरह भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका कॉर्डराय में आ जाता है। साइंटिफिक रीजन क्या दिया है? हाइड्रोफिलिक की वजह से कॉटन पॉलीमर जो वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं तो कार्बोक्सिल बॉन्ड बनाते हैं, जिनकी वजह से कॉटन की अच्छा ओके हाँ ओके हाँ प्रवेश जी, जो आप बोल रहे हो वो भी सही है। आप तो साइंटिफिक रीजन बता रहे हो कि उसमें जो पॉलीमर है कार्बोक्सिलिक बॉन्ड की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये भी सही है आप जो बता रहे हो। और बिमलेन जी आपका भी कहना सही है कि अवशोषक क्षमता तो ज्यादा होती ही है उसकी, इसी वजह से गीले होने पर क्या होते हैं, हाँ ये हो सकता है कि उसमें सघन हो जाते हैं। तो दोनों का ही रीजन आपका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जो देखिए मुझे साइंटिफिक रीजन तो इतना नहीं पता हुआ था, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी मेरी स्ट्रांग नहीं है, तो साइंटिफिक रीजन की बॉन्ड कौन सा बन रहा है बस इतना जानती हूँ कि उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है, सेलुलोज पाया जा रहा है, इतना तो मुझे पता है। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से यानी साइंटिफिक रीजन आप जो बता रहे हो, आई थिंक ये सही होगा, मैं एकदम श्योर नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, मतलब साइंटिफिकली मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ जो ये आप कह रहे हो कि कॉटन के रेशे सघन हो जाते हैं, ये बात मेरे भी माइंड में आ रही थी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि गीले होने पर वो सघन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो खिंचाव की क्षमता है उनकी, वैसे क्या होता है जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो जो है उसमें फ्लैक्सीबिलिटी बहुत कम होती है, इलास्टिसिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि प्रत्यास्थता उसमें बहुत कम होती है, वो खींचते नहीं है। तो क्या होता है, आप ज्यादा खींचते हो तो वो टूट जाते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन जब वो गीले होते हैं तो उनकी जो खिंचाव की क्षमता है वो बढ़ जाती है, इन कंपैरिजन टू जो ड्राई कॉटन है। तो हाँ ये रीजन भी सही है, ठीक है। और प्रवेश जी आप जो बता रहे हो वो भी सही है, साइंटिफिक रीजन है। चलिए आपने जो है यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कई सारी चीजें हमको भी नहीं पता होती हैं लेकिन आप लोगों के थ्रू भी पता चल जाती हैं। तो चलिए फिर अब हम आते हैं, इसका रीजन तो पता चल गया है। हिया जी आपको रीजन भी पता चल गया होगा, ठीक है, एक तो साइंटिफिक रीजन भी इन्होंने बता दिया है और जो है यहाँ पर आपका साइंटिफिक नहीं लेकिन ऐसा भी बता दिया कि सघन होने की वजह से उसकी खिंचाव क्षमता बढ़ जाती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ओके वेरी गुड प्रवेश जी, गुड इवनिंग राधा जी, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, कॉर्डराय तक यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए मेन डिफरेंस क्या है। अगर आप कपड़े को पहचान रहे हो कि कौन सा कपड़ा का नाम क्या है, वेलवेट कौन सा है, वेलवेटीन कौन सा है, कॉर्डराय कौन सा है, ठीक है, तो अगर आप ऐसा कपड़े को पहचान रहे हो देन आप जो है उसको जो है वेरी मतलब क्लासीफाई भी कर लोगे,
का डिफरेंस पूछा जाएगा तो वो भी जान जाओगे। और जैसा मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वार्प पाइल और वेफ पाइल, इसका डिफरेंस होता है कौन सा कट है कौन सा अनकट है, तो ज्यादा से ज्यादा इतना पूछा जाता है या तो फिर उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका वेलवेट था वो उसमें क्या था, सिल्क से बन रहा था, रेयॉन से, पॉलिस्टर से बन रहा था, और जो कॉर्डराय है या फिर जो है आपका ये वेलवेटिन बन रहा है, ये किससे बन रहा था, कॉटन से बन रहा है, इस वजह से जो आपका वेलवेट था उससे कम चमक होती है, ये एक रीजन है, क्योंकि सिल्क में और जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उसमें लस्टर होता है, चमक ज्यादा होती है, जबकि आपके जो वेलवेट है ये कॉटन से बन रहे हैं, वेलवेटिन और कॉर्डराय, इस वजह से इसमें चमक तो इसमें भी होती है लेकिन वेलवेट के कंपेरिजन में कम होती है। ओके और हाँ, ये हैवी भी ज्यादा होते हैं, जो वेलवेट होगा वो थोड़ा हल्के होंगे, सॉफ्ट होंगे, जबकि आपका जो कॉर्डराय का कपड़ा होता है अगर यूज किया होगा आपने देखा होगा थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। और ये सस्ता भी होता है, जो आपका वेलवेट है वो महंगा होता है, क्योंकि सिल्क से बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है, तो महंगा भी होगा, जबकि आपका वेलवेटीन है और कॉर्डराय ये आपका उसके कंपेरिजन में सस्ता भी होगा। तो कई सारे रीजन है जो हमने अभी आप यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ में कि डिफरेंस क्या है। चलिए, आप जो ये बात कर रहे हो बुनाई के टाइप्स के बारे में, मैं एक बार आपका ये बुनाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं इसको रिवाइज करा दूंगी कि कौन कौन से होते हैं इसकी बुनाई के प्रकार, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने मेरी क्लास नहीं ली है इससे पहले, तो मैं बता दूंगी, आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, कॉर्डराय हो गया, हाँ, फिर क्रैप बुनाई के बारे में बात करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्रैप वीव, इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होती है, इसकी जो संरचना होगी वो झुर्रीदार होगी, क्योंकि इसका अर्थ भी ऐसे ही होता है, झुर्रीदार, इसका मतलब क्रैप का मतलब हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो सतह होगी कपड़े की वो खुरदरी होगी और झुर्रीदार होगी, ठीक है, एक रीजन ये है। और इसमें अधिक ऐठे हुए धागों का प्रयोग किया जाता है, जो धागों का यूज किया जाता है इसमें, उसमें ट्विस्टिंग ज्यादा होती है, अधिक ऐठे हुए धागों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से जो इसमें क्रैप इफेक्ट आ रहा है वो इसकी वजह से, जब ज्यादा ऐठन होती है तो उसमें एक घुंघराला झुर्रीदार इस टाइप का इफेक्ट आता है, वो उसी की वजह से होता है, ऐठन की वजह से होता है, तो ये एक रीजन है। अच्छा, इसमें जो जब ये इफेक्ट उसमें डाला जा रहा है तो क्या होता है, उसमें उभार आ जाता है कपड़े में, और जो वो उसमें उभार आ रहा है उसमें ये चीज बचाई जाती है, ये ध्यान दिया जाता है कि उसमें कोई ट्विल इफेक्ट ना आए, जैसा कि ट्विल वीप था उसमें मैंने बताया था क्या होता है, डायगनल लाइन बन जाती है, एक तिरछी रेखा बन जाती है कपड़े में, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया हुआ था कि ट्विल वीप में तिरछी लाइन बन जाती है, डायगनल लाइन, ओके। तो इसमें ये प्रयास किया जाता है कि जो क्रैप वीप से कपड़ा तैयार किया जाए उसमें ट्विल इफेक्ट ना आए, यानी कि डायगनल लाइन उसमें ना बने, जो उभरी हुई उसमें डिजाइन बनती है, ठीक है। और हाँ, इसमें ये कह सकते हैं, ये सैटिन और सादी इन दोनों को मिला करके ये कपड़ा तैयार किया जाता है, किसको किसको, सैटिन और सादी बुनाई, इसमें दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है, दोनों ही बुनाई का इसमें यूज किया जाता है, सादी बुनाई का भी यूज किया जाता है और सैटिन का भी यूज किया जाता है। और इसमें ऊन है, कॉटन है, रेशम है, इनका यूज किया जाता है इन कपड़े को तैयार करने के लिए। चलिए, अब ये हो गया। अब जो आप लोग पूछ रहे थे यहाँ पर डॉबी वीप के बारे में, डॉबी वीप, तो वो मैं बता दूं, एक मिनट, उससे पहले डेकोरेटिव वीप, जिसे कि हम कहते हैं सजावटी बुनाई बोल सकते हो आप, जिनसे कि जितनी भी सजावटी बुनाई डेकोरेटिव वीप तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके तीन आ जाते हैं, एक तो जो आपने पूछा डॉबी वो इसी के अंदर आ जाता है, पहला है डॉबी वीप,
हाँ जी रिधो जी अश्विनी सना, हाँ जो है यहाँ पर 1 घंटे क्लास रोज इसी टाइम पर होती है, 4 बजे होती, 4 से 5 1 घंटे की क्लास हमारी रोज इसी टाइम पर होती है। गुड इवनिंग आदित्य जी। बंटी जी जो बर्ड निटिंग, अभी मैं निटिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं वीविंग पढ़ा रही हूँ। कंफ्यूज बंटी जी कंफ्यूज मत होइए, अभी मैंने निटिंग नहीं पढ़ाया था, निटिंग अलग चीज है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर वीविंग पढ़ा रही हूँ, वीविंग निटिंग दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो मैंने बर्ड्स आई वाला पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था कि क्या होता है बर्ड्स आई में, आपका वो सॉरी डायमंड का जैसे संरचना बन जाती है, डायमंड जैसे होता कि डायमंड जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस मतलब ये चीज होती है उसमें बर्ड्स आई में, जो कि देखने में जैसे कि चिड़िया की आंख होती है, तो आपको दूर से देखने में वैसा कपड़ा लगेगा कि उसमें चिड़िया की आंख बनी हुई है, ठीक है। इसी वजह से उसका नाम बर्ड्स आई दिया गया है, लेकिन आकर जब उसका आप शेप देखोगे तो जो संरचना होती है वो डायमंड के जैसी होती है। चलिए तो मैं यहां पर बता रही थी डेकोरेटिव वीप्स के बारे में। तो एक तो आपका हो गया डॉबी वीप, और दूसरा इसमें आ जाता है जैकार्ड, जैकार्ड वीप आ जाता है, और तीसरा आ जाता है इसमें लिनो, ठीक है। यहाँ हिंदी में मैं लिख देती हूँ डॉबी और जैकार्ड, ठीक है, और ये है लिनो। ये सारे के सारे आपके डेकोरेटिव वीप हो, मतलब ये क्वेश्चन भी आता है कि डेकोरेटिव वीप्स कौन कौन से हैं, तो तीन है आपके, डॉबी है, जैकार्ड है और लीनो, ये तीनों डेकोरेटिव वीप्स में आ जाते हैं, और ये जो है वीप्स की टाइप्स में भी आपके हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले हम बात करेंगे डॉबी वीप, आपने पूछा था, तो डॉबी वीप में क्या होता है, इसमें जो संरचना जो कपड़े तैयार किए जाएंगे उसमें जैसे हो गया कि एनिमल का फिगर तैयार बना दिया जाता है, या फिर फूल पत्तियों का, यानी कोई भी डेकोरेटिव डिजाइन लेकर के जो कपड़े की सतह होगी उस पे डेकोरेटिव पर्पस से, सजावटी पर्पस से जो है डिजाइन तैयार की जाती है, जिसमें कि आपका एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी फूल हो सकती है, पत्ती हो सकती है, ज्योमेट्रिक डिजाइन हो सकती है, कोई डिजाइन हो सकती है, वो आपकी डॉबी वीव में आ जाती है। उसके बाद में जो जैकार्ड वीव है, इसमें क्या होता है कि जो जैकार्ड वीप तैयार किया जाता है, ये बुनाई जो होती है ये पर्टिकुलर इसके लिए एक विशेष प्रकार का लूम होता है, करघा होता है, जिसे कि जैकार्ड लूम कहते हैं। जो ये जैकार्ड वीप तैयार किया जाता है, किस पर तैयार किया जाता है, ये ऐसा नहीं कि किसी भी लूम पर किसी भी करघे पर तैयार कर लिया जाए, इसके लिए एक विशेष प्रकार का करघा होता है जिसे कि जैकार्ड बोलते हैं, उसका नाम ही है, उसी के नाम पर ही इसका जैकार्ड वीप पड़ा है, उसका नाम है जैकार्ड लूम या करघा आप कह सकते हो, ठीक है। और इसका जो आविष्कार किया था, जो खोज की थी, वो किसने की थी, इसमें जो इनका नाम है जोसेफ मैरी जैकार्ड, किसने इसको खोजा था, अरे यार जोसेफ मैरी जैकार्ड, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया जैकार्ड लूम। और इस पर जो भी वीविंग की जा रही, जो बुनाई की जा रही है, उसका नाम रख दिया गया जैकार्ड वीव, ठीक है। तो तीनों जो है आप देख सकते हो कि ये जोसेफ मैरी जैकार्ड ने इस लूम की खोज की थी, और इन्हीं के नाम पर इस बुनाई का नाम जैकार्ड रख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो लूम से कपड़े तैयार किए जाते हैं, इसकी जो तैयार मतलब प्रोसेसिंग होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, इसके अलावा ये बहुत महंगा भी होता है, जो इस पर इस करघे पर कपड़े तैयार किए जाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। और इसमें कौन कौन सा कपड़ा आ जाता है, जैसे आपका डैमेस्क हो गया, टेपेस्ट्री हो गया, ब्रोकेड हो गया, ये सारे आ जाते हैं, जिसमें कि आप ये देख सकते हो ये ब्रोकेड का एग्जाम्पल है, ब्रोकेड कपड़ा है जो कि आपका जैकार्ड का है, ब्रोकेड,
ठीक है, ये जैकार्ड लूम पर तैयार किया जाता है। इस वजह से जो इस टाइप की साड़ियाँ बहुत तैयार की जाती हैं, ये बहुत कॉस्टली होती हैं, जो जैकार्ड लूम पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा ये भी है आपका, ये आपका डैमस्क का है, इसको डैमस्क बोलते हैं, ठीक है। ये DAMASK है, डैमस्क नाम है। तो इस टाइप के भी कपड़े आपने देखे, इस टाइप के आपके ने ब्लैंकेट वगैरह देखी होगी, या फिर जो बेडशीट तैयार की जाती हैं वो इस टाइप की होती हैं, शाइनिंग भी होती है। तो ये जैकार्ड लूम पर स्पेशली तैयार किए जाते हैं उस पर, ठीक है। ये उसी का एग्जाम्पल है, डैमस्क है, ब्रोकेड है, टेपेस्ट्री है, और कई सारे हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपके जैकार्ड के हैं, जो कि विशेष तरह के अलग लूम पर तैयार की जाते हैं, जिसका नाम आपका जैकार्ड लूम है। फिर उसके बाद में आ जाता है लिनो वीव। अब लिनो वीव में क्या होता है, इससे जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो जालीदार होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो उपकरण लगाया जाता है वो लीनो उपकरण, स्पेशली उस उपकरण को लगाया जाता है जिसका नाम लीनो होता है, उसी के नाम पर इसको लीनो वीव भी कहा गया है। ये भी एक स्पेशल तरीके का कपड़ा होता है, अलग से तैयार किया जाता है, और ये इसमें जो है सादी बुनाई और बास्केट बुनाई दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सादी बुनाई यानी कि प्लेन वीव और बास्केट वीव, सादी और बास्केट दोनों ही बुनाई का इसमें प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैं इसका आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है जैकार्ड, सॉरी, ये है लिनो वीव। इसमें क्या है, क्या होता है, ये आप देख ही रहे हो, ये आपका वार्प है। तो दो वार्प होते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में, देख रहे हो, ये दोनों ही वार्प हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, और इन दोनों वार्प यानी कि जो ताने के धागे हैं, दो धागे के बीच में से ये आपकी गई हुई है वेफ्ट, बाना गया हुआ है, बाने का धागा, यानी कि जो दो ताने होते हैं इसमें, ताने के धागे होते हैं, वो एक दूसरे से घुमावदार होते हैं, ठीक है, घुमावदार होते हैं, और उसके बीच से जो है एक आपका बाने का धागा जाता है, ठीक है। दो में से एक बाने का धागा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो लिनो वीव होता है, इस तरीके से तैयार की जाती है, और इसका जो हम कपड़ा अगर हम दिखाएं तो इस तरीके का होता है, जालीदार होता है, ये नेट लाइक संरचना होती है, जो भी लिनो वीव से कपड़े तैयार किए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आपकी जैसे मच्छरदानी आपने देखा है, मच्छरदानी से तैयार की जाती है, इस बुनाई से पर्दे तैयार किए जाते हैं, कपड़े भी तैयार किए जाते हैं, जो नेट वाले कपड़े तैयार किए जाते हैं वो लिनो वीव से तैयार किए जाते हैं। और इसमें रेयॉन है, सूती है, नायलॉन है, डेक्रॉन, ऑर्लॉन, पॉलिस्टर, इन सब से लिनो बुनाई की जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बुनाई आपकी खत्म हो गई है, जितनी भी मैंने यहाँ पर बुनाई थी, लगभग लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट थी सारी आपको पढ़ा दी है। हाँ, आप लोग पूछ रहे थे ना कि बुनाई कितने प्रकार की होती है, तो बुनाई जो है आपकी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक तो बेसिक वीव हो जाती है, बेसिक वीव में आपके प्लेन आ जाते हैं, रिब आ जाता है, बास्केट आ जाता है, ठीक है। ये आपके बेसिक, या फिर आप ये कह सकते हो, एक तो सबसे पहले प्लेन वीव होता है, ठीक है, एक होता है आपका प्लेन वीव, जिसे कि सादी बुनाई कहते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं जो बास्केट है, रिब बुनाई है, ठीक है, ये आ जाता है, रिब और बास्केट, ये दोनों आपके इसमें आ जाते हैं, रिब और बास्केट आ जाता है इसके अंदर। और दूसरा होता है आपका ट्विल वीब, और तीसरा आपका होता है, कह सकते हो, डेकोरेटिव वीब होता है। ठीक है, तो ऐसे जनरली तो आपके कई सारे हैं जो मैंने यहाँ पर लगभग कितने आपको पढ़ा दिए हैं, यहाँ पर
लगभग 15 टाइप्स के आपको बता दिए हैं जो बुनाई होती है, 15 तरीके की बुनाई हमने यहाँ पढ़ा दी है। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो उसमें एक सादी बुनाई हो जाती है, उसके बाद में ये 12 वीव आ जाती है, ठीक है, और उसके अलावा आपका ये आ जाता है डेकोरेटिव वीव्स, ये अलग से आ जाती हैं, तो इसके अंदर में आ जाते हैं। वैसे तो हमने कई सारे आपको बता दिए हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में ओके विमलेन जी करा देंगे, जिसे अभी कल हमने कराया था ना, क्वेश्चन आंसर हुआ था, वैसे ही अब नेक्स्ट सैटरडे या संडे में फिर से हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। टीजीटी होम साइंस की फीस 2499, ये टीजीटी होम साइंस की फीस है, ठीक है, 2499 टीजीटी की है। गुड इवनिंग अर्चना जी, आप बहुत लेट में आए हो, हमारी क्लास तो ओवर होने वाली है, ठीक है, 5 बजने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास हमारी फिर कल होगी, जिसमें कि हमारा अब इसमें हम पढ़ेंगे, आज हम आपको लूम के जो बता रहे थे जिसमें कि प्रोसेसिंग थी कई सारी, शेडिंग, पिकिंग और ये लेटिंग ऑफ, टेकिंग अप, ये आपकी प्रोसेसिंग है, जिसका नाम है, पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि लूम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उसमें हम प्रोसेसिंग के बारे में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। और कल से हम जो दूसरी जो विधि है वस्त्र तैयार करने की, वो हम पढ़ेंगे निटिंग के बारे में। तो वीविंग हमारी खत्म हो गई है, वीविंग हमने सारी लगभग 15 टाइप्स की वीविंग पढ़ चुके हैं, अब कल हम निटिंग पढ़ेंगे, उसके अलावा जो प्रोसेसिंग है वस्त्र निर्माण की, उसमें क्या उसको टर्म दिया गया है, वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, और आगे हम आपके लिए जो है क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आएंगे। हाँ राधा जी, मैं रोज पढ़ाती हूँ इसी टाइम पर, 4 से 5 एक घंटे की क्लास होती है मेरी, 4 PM से 5 PM रोज एक घंटे की क्लास होती है, रोज होती है एक घंटे की, 4 बजे से 5 बजे तक। अगर आपको जिसको भी क्लास लेनी है वो 4 से 5 आ जाया करो। इस समय हमारी YouTube पर चल रही है, फ्री क्लास चल रही है, डेमो क्लास चल रही है, इसीलिए चल रही है कि आप लोग देखो, अगर आपको अच्छा लगे देन आप जो है गुरु मंत्रा अकेडमी के ऐप को भी ज्वाइन कर लो, जिस पर कि उगता हुआ सूरज बना हुआ है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, और अगर क्लास अच्छी लग रही है देन लाइक भी जरूर कर दो, नहीं अच्छी लग रही है डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और